सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना के दिखाएंगे, वो भी मोबाइल फ़ोन से। आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे सीवी अपना क्रिएट करोगे, अपना रिज्यूम कैसे बनाओगे, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें आपको फ़ोटो भी ऐड करने का ऑप्शन आएगा, वो भी मोबाइल फ़ोन से आपको बनाना हम सिखाएंगे। अगर आप कहीं भी जॉब करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखा जाता है। अगर आपका रिज्यूमे जो है अच्छा प्रोफेशनल आपको जो है दिखाई देगा देता है एचआर को, तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो किस प्रकार से आपको रिज्यूम बनाना है जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा देखना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप जो है अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस ऐप का नाम है, यहाँ पर प्ले स्टोर में आना है भाई। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको जो है रिज्यूम मेकर डाल के सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको आसानी से प्ले स्टोर पर यहाँ ऐप जो है उपलब्ध है। आप जो है यहाँ रिज्यूम मेकर डाल के सर्च करोगे तो पेज को स्क्रॉल करोगे, बहुत सारे यहाँ पर ऐप आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो बेस्ट ऐप है यहाँ पर हमने उसको यूज किया है, उसी पे आपको हम सिखाएंगे। यहाँ पर सीवी मेकर एक ऐप है, सीवी मेकर रिज्यूम पीडीएफ एडिटर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करके इस ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो है फर्स्ट पेज का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ आपको चूज योर टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट ऑटोमेटिक यहाँ बने बनाए मिल जाएंगे, जिससे कि आपको इन टेम्पलेट को यूज करके आप आसानी से बना सकते हो अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे। तो यहाँ से हम जो है किसी एक टेम्पलेट को यूज करेंगे, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो टेम्पलेट आपको यूज करना है। तो हमें जो है यह टेम्पलेट बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें हमें फ़ोटो ऑप्शन आ जाएगा, फ़ोटो भी ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम इस टेम्पलेट को सेलेक्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जो है पहले से एक पर बना के रखे हैं भाई, जिससे कि आपको बताने में आसानी हो, हम आपको जल्द से जल्द समय में आपको बता सकें। तो यहाँ पर आपको यहाँ कैंडिडेट का फ़ोटो भी लगा सकते हो, उसके बाद यहाँ अपना नाम डालना है, उसके बाद यहाँ से फ़ोटो लगा भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद फादर नेम, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना फुल एड्रेस फिल करना है, उसके बाद अपनी DO भी फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर आप मेल है फीमेल है यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद आप जो है सिंगल हैं या मैरिड हैं यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद आपको नेशनैलिटी फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फ़ोटो अपना सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से आपका फ़ोटो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आसानी से आप फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जो है किस लैंग्वेज, आपका अपना लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर लेना, हिंदी इंग्लिश, उसके बाद यहाँ टाइटल रिज्यूम रख देना है, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद समरी में आपको सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पर, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिखाई देगा, आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ हेल्प भी ले सकते हो, हेल्प पे क्लिक करके जो है किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो, आसानी से यहाँ आपको बहुत सारा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप जो है अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी आपके पास है, 10th 12th ITI डिप्लोमा, BA BTech जो भी आपके पास है, MA या आप MTech जो भी है, आपको कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। आपका डिग्री का ऑप्शन आएगा, उसके बाद स्टूड कॉलेज, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से अपना जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड पूरा फिल कर लिया है, अगर आप भी फिल करना चाहते हैं तो कुछ इसी प्रकार से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपको और ऑप्शन आपको हम फिल करके दिखाते हैं, अगर आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कहीं भी आप वर्क किए हैं, जॉब किए हैं, तो आपको जो है अपना वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करना है, उसका डिटेल्स भी फिल करना है। उसके बाद जिस प्रोजेक्ट पर आपने कार्य किया है भाई, उस प्रोजेक्ट को भी यहाँ से मेंशन करना है, जिससे कि आपको जल्दी जॉब मिल जाए। उसके बाद अगर आपके पास स्किल है कंप्यूटर से रिलेटेड या और कोई अन्य स्किल है, तो यहाँ पर आप ज़रूर फिल करना है। तो यहाँ से हमने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको जो है अपनी हॉबीज फिल करना है, आपकी हॉबीज क्या है। तो यहाँ से आप जो है हार्ड वर्किंग यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ फिल करना है, उसके बाद हॉबी यहाँ से फिल कर देना है, जो भी आपका है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अगर आपका वीकनेस है तो फिल करना है, नहीं तो नहीं फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ अवार्ड, अगर आपने कोई अचीवमेंट अवार्ड भी आपको मिला
किया है, कोई प्रोजेक्ट बेकार किए हैं तो यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद आपके पास रेफरेंस है कोई तो रेफरेंस को फिल करेंगे, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप हेल्प लेके अपना डिक्लेरेशन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर या ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपका जो है रिज्यूमे फाइनली गाइज आपका तैयार हो गया है। अब आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो यहाँ से अपना रिज्यूमे का, उसके बाद प्रिंट भी ले सकते हो, यहाँ पर री एडिट कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, क्रिएट भी न्यू कर सकते हो। तो यहाँ से हम जो है एक बार प्रीव्यू अपना चेक करेंगे, उसके बाद हम PDF जो है डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हमारा रिज्यूमे कुछ इस प्रकार से बन गया है भाई, आप आसानी से देख सकते हो रिज्यूमे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो फाइनली बन गया है। हमने फोटो ऐड नहीं किया है, अगर आप फोटो मेंशन करेंगे तो फोटो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। आसानी से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आपको जो है हमने रिज्यूमे प्रोफेशनल रिज्यूमे बना के दिखा दिया है भाई। कोई डाउट होता है तो कमेंट करना भाई, आसानी से घर बैठे जो है अपना जो है रिज्यूमे तैयार कर सकते हो।